शो का नाम भी यही रखा है, फंस गए रे बाइडेन। सवाल यह है कि जो बाइडेन अब क्या करेंगे, क्या तालिबान अब इस जंग में उनका एलाई है? जंग से मेरा मतलब यह नहीं है कि सीधे लड़ाई हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा है ना कि वील हंट देम डाउन, चुन चुन कर मारेंगे। तो क्या अब तालिबान उनका एलाई हो गया है? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि आईएसआईएस के और हक्कानी नेटवर्क के मिलीभगत की बात किसी से नहीं छिपी है। अमेरिका क्या जानबूझकर इस पर आंखें बंद कर रहा है? ये गुड और बैड टेररिज्म की जो झांसा विश्व को दिया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है बहुत खतरनाक खेल है ये मिस्टर भटौरिया? देखिए, अभी सिचुएशन तो बहुत खतरनाक है वहां पर। और जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल कहा कि अभी हमारा मिशन है कंप्लीट, अगस्त 31 को विड्रॉ करना, उसको एस्सिलेट कर रहे हैं और विड्रॉ करेंगे, और साथ में वी विल हंट देम डाउन एंड विल यू नो चूज आवर ओन टाइम एंड उस प्लेस पे हम आईसिस के को, जिन्होंने ये किया है उनको उनका पनिशमेंट मिलेगा। एंड उसको उसको उस मिशन की, उस नेक्स्ट मिशन की भी तैयारी करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने कमांडर्स को वो दे दिया है। तो दैट विल हैपन, बट इमीडिएट जो अभी प्लान है वो दैट इज मिस्टर इवेकुएशन। भटोरिया, क्या आप और जो बाइडेन दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आईएसआईएस के ने, आईएसआईएस खुरसान ने ये बिना तालिबान बिना हक्कानी नेटवर्क के ये अंजाम तक पहुंचा दिया है? इसका जो भी इंटेलिजेंस डेटा है, व्हाट जो अभी इंटेलिजेंस उन्होंने कहा है, वो यही कहा है कि इसमें तालिबान और उसका कोल्यूशन, अभी उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं कि उनके कोल्यूशन है। लेकिन हाँ, ये सही है, आप कह रहे हैं कि वहां पे बहुत सारे स्प्लिंटर्ड ग्रुप्स हैं, और ये तालिबान के बेटर के लिए होगा कि आईएसआईएस के वहां पे अफगानिस्तान में ग्रो नहीं करे, ताकि आप तालिबान तालिबान पर अगर भरोसा कर रहा है अमेरिका? तालिबान एलाई बन गया है अमेरिका का, तालिबान के भरोसे तालिबान पे अमेरिकी सेना की सुरक्षा है? तालिबान पे भरोसा नहीं एक कर रहा आंख से सच तालिबान, देख रहा है अमेरिका इस वक्त? मैं नहीं, आपसे तीन तालिबान चार पे, तरीके से ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मैं आपसे ये तालिबान पे समझने की भरोसा नहीं कोशिश कर कर रहे रही हैं, हूं क्योंकि ये तालिबान पे भरोसा नहीं कर रहे। कंक्लूसिव स्ट्रैटेजी दिख ही नहीं रही है। आईएसआईएस के को क्या आप अलग से टारगेट करके मारेंगे? क्या हक्कानी नेटवर्क के साथ उनका काम, तालिबान के साथ उनका काम दिखेगा नहीं अमेरिका को? क्या एक आंख से बिल्कुल सच दिखेगा? क्या ये तालिबान अब क्लियरली आपका एलाई हो गया है अफगानिस्तान में? सीधा जवाब दीजिए ना सर, ईमानदारी से। आईएसआईएस को क्लियरली आइडेंटिफाई करके उनको जो भी है उनको पनिश किया जाएगा, ये क्लियरली कहा है प्रेसिडेंट बाइडेन ने। तालिबान उसके साथ अभी तालिबान के साथ में, तालिबान के म्यूचुअल इंटरेस्ट है यूएस का और तालिबान का, कि तालिबान अफगानिस्तान को गवर्न करना चाहता है, तालिबान को अफगानिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना है और यूएस को अपना वहां से विड्रॉ करना है। और जो इवेक्यूएशन में लोग रह जाएंगे, 31 के बाद नहीं होंगे, उसको वो लोग डिप्लोमेटिक तरीके से विड्रॉ करेंगे वर्किंग विद तालिबान। सो दैट जो इज द हो रियलिटी ऑफ द अफगानिस्तान का सिचुएशन। उसके बाद हो, अमेरिका को क्या करना? नहीं, ऐसा ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? जो हो, द होल नाटो टीम विल, वेस्टर्न एलाइज विल बी हाँ ऑब्जर्विंग, उसके बाद में क्या होता है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। इमीडिएट है भी कि मिशन विड्रॉ करना है वहां से। आरिफ अजा क्या साहब, पूरी दुनिया को दिख रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान के जरिए जितने भी आतंकी संगठन थे और किस तरह से तालिबान को फ्यूल किया गया है, लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है, एक के बाद एक धमाके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा वी हैव लॉस्ट 13 अमेरिकन सोल्जर्स, लेकिन उन 95 लोगों की जिंदगी का क्या जो अफगानी थे जो मारे गए? देखिए, काबुल अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है, तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अमेरिकन। नंबर दो, ये का आपने शुरू में कहानी सुनाई दो भाइयों की, कि एक आईएसआईएस दो और एक दैत्यों तालिबान। की, दैत्यों की सर, राक्षस कहते हैं उन्हें हम। हाँ जी, तो ये सारे गंदे अंडे जितने हैं ना, ये सब एक ही मुर्गी के हैं जिसका नाम है आईएसआई, पाकिस्तान आर्मीज ऑर्गेनाइजेशन। तो आईएसआई के गंदे अंडे हैं, आप कितना भी लड़ लो आईएसआईएस से या तालिबान से या किसी से भी, चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, ये सब पाकिस्तान आर्मी के क्रिएटेड टेररिस्ट ग्रुप हैं। तालिबान ने टेक ओवर के बाद बगराम जेल से आईएसआईएस के, जैश मोहम्मद के और पाक तहरीक के तालिबान पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट छोड़ दिए थे, तो अमेरिका मुंह देख रहा था क्या? तो बात दरअसल ये है कि आपका अभी जो सवाल था इन साहब से कि क्या तालिबान अमेरिका का अलाय बन गया है, तो मैं समझता हूं कि तालिबान अब अमेरिका का अलाय बन चुका है, क्योंकि हथियारों के बल पे इन्होंने काबुल टेक ओवर कर लिया। कहां गई डेमोक्रेसी, कहां गए ह्यूमन राइट्स? कोई कंडेमनेशन नहीं आ रही ना यूरोप की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से। तो ऑफ कोर्स इट इज ए प्लान्ड टेक ओवर ऑफ तालिबान, हेल्प एंड स्क्रिप्टेड बाय पाकिस्तान।